आज पहुंचे हैं हम तीसरा रेस्क्यू है ये दमुण कला। किनका है मकान? घासी लाल जी उधर ले लो दूर वैष्णव जी के यहाँ से। पहले भी हम आज कई दिनों पहले हफ्ते पहले यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं स्पेक्टिकल कोबरा और ये बता रहे हैं काला है पर तो अभी हमने देखा नहीं। देखते हैं हटा के कौन सा है। लो खींचो इससे खींचो। देखते हैं कौन सा है। कौन सी लकड़ी है? अपने आप को इंडियन रेड स्नेक पकड़ रखा है। अरे भाई साहब पकड़ रखा है कहीं नहीं जाए। डरो मत बिल्कुल कुछ नहीं करे हमें। आपने हमको बुलाया ना विश्वास रखो यार। कोई कुछ नहीं करे ये कुछ करता ही नहीं है। पकड़ रखा है मैंने कहीं नहीं जाए वो कुछ करता ही नहीं है। इतना सीधा जी होता है ये काट भी जाएगा तब भी मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगा इसको। कुछ नहीं करेगा ये इसको शांत होने समय। ये है मजा। हमने रेड स्नेक यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। बिग साइज है बाकी फिर भी इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। इसका बिग साइज जो साइज होता है वो 8 से 9 फीट के लगभग 9.5 फीट 10 फीट के लगभग हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा सांप है सुंदर सांप है। हम नहीं चाहते कि ऐसे सांप इस प्रति से कम हो जाए पिछले लोग तो हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है। डर खत्म कर दिया। गांव वालों को दिखाओ सबको बच्चों को दिखाओ बहुत सुंदर से बिल्कुल डाला आप देखो चेक करो आप एक हमारे जितने रेस्क्यू है ना बहुत ही बढ़िया। हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ से और आज 11 अगस्त 2020 को हमने तीसरा सांप रेस्क्यू किया है ये। और ये दमुण कला है गुजरों का जो दमुण बोलते हैं गुजरों के दमुण है और बहुत सुंदर सांप है। अब हम इसको पैक करते हैं। इंडियन रेड स्नेक इसको बोलते हैं और बड़ा हो जाता है। और छोटा है ये दामन बोलते हैं इसको घोड़ा की पसंद बोलते हैं। 11 फुट के आसपास हो जाता है ये बहुत मोटा हो जाता है। मोटा भी अच्छा हो जाता है लंबाई भी अच्छी हो जाती है। नहीं मारना चाहिए भी नहीं। ईश्वर ने परमात्मा ने सबको जीने का अधिकार दिया। अगर इन जीवों को अपन मार देंगे इको सिस्टम अपना गड़बड़ा जाएगा और नाना प्रकार की बीमारियां फिर से चालू हो जाएगी। आज के 20 साल पहले जो जीव लुप्त हो चुके ना उनकी वजह से तो इतनी सारी बीमारियां पैदा हो गई क्योंकि उन कीड़े मकोड़ों को उन कीटाणुओं को खाने वाले मर चुके। अब उनको कौन खाए मनमानतरी बीमारियां। मेरा तो सब आप गाँव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन यही रहेगा कि सांप हो गोर रहो नाग हो कुछ भी हो आप किसी को मत मारो। सब वहाँ का डेजुनो बद्री पंडित।
हमको जंगल की वो रेसिपी होती है वहाँ डालना। हमने यहाँ से इंडियन रेड स्नैक मतलब रेस्क्यू किया है। बिग साइज है, बड़ा अच्छा साइज है, लगभग 6 से 6.5 फीट के लगभग लंबाई है और वजन कर लीजिए इसके इसके अंदर 3.5-4 किलो 4.25 किलो लगभग वजन होगा। तो बहुत अच्छा सांप है ये, जीव है जो ना तो ढेर होता है, इसमें नॉन वेनोमस है, इससे डरने की जरूरत नहीं, परंतु ग्रामीणों में भय रहता है और हमारा जो सफ़र है इन जीवों को बचाने का वो जारी है और जारी रहेगा। हमने इसको तुरंत रेस्क्यू किया, आज हमारा तीसरा रेस्क्यू है, 2 नाग थे और ये तीसरा इंडियन रेड स्नैक है, इसको भी हम प्रकृति के हवाले कर देंगे इसके नेचर में, जिससे ये भरपूर जीवन जिएगा। इसकी उम्र भी लगभग 4 से 5 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी लंबी आयु जीता है और लगभग इसकी भी लंबाई 8-9, 9.5-10 फीट तक बढ़ जाती है। बिग साइज है नहीं है, बाकी जी बड़ा प्यारा है, तो हम इसको लेके चलते हैं और हमारा तो इन सभी भाइयों से निवेदन ये रहेगा कि खाओ पियो जियो और जीने दो, और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, मास्क लगाएं अपने चेहरे पे, हाथों को सैनिटाइज करें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, यही हमारा फर्ज है। हम हर वीडियो में ये बताते हैं और आप बनाए रहिए हमारे साथ वीडियो में, अभी इसको रिलीज करेंगे वो वीडियो भी बनेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम सबके साथ में बोलेंगे जय सियाराम, जय बालाजी की जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे सब मिलकर हम वंदे मातरम, जय सियाराम, जय सियाराम। तो हमने अभी दमूण कला से वैष्णव जी के से यहाँ से इंडियन रेड स्नैक रेस्क्यू किया था और हम इसको ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा 20-1 मिनट हुई होगी, हम इसको यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। इधर का माहौल दिखाओ, जंगल का माहौल, और हम इसको यहाँ अच्छी जगह है, हम इसको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। बहुत सुंदर सांप है और हमारा तो कहना यही है कि ऐसे जीवों को ना मारें और हमारे समीर भाई इसको रिलीज करेंगे। देखिए वेरी बिग साइज, बहुत ही सुंदर, दिखाओ जी इसको, बहुत ही सुंदर सांप है, हम इसको रिलीज कर देंगे। और समीर भाई लो, ले ना, ले ले, जान लो। तो हम इसको रिलीज कर देते हैं, जा भाई, ये ले तेरी ज़िंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ सुन, मैं मेरी टीम के साथ, ये तीसरा हमारा रेस्क्यू था जो हमने रिलीज कर दिया अभी, समीर खान के साथ मैं, लोकेश साहू और हमारे वंश शर्मा जो हमारी टीम के बेहतरीन वीडियोग्राफर हैं, और हम इसी के साथ यहाँ से चलेंगे, इसको रेस्क्यू कर दिया है और हमारा कहना यही है कि जियो और जीने दो। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी, जय हिंद, जय भारत।